नमस्कार दोस्तों, लाए हैं हम आपके लिए मोनिटर लिजर्ड का वीडियो। पूरा देखिए और जाने। तो मैं आज आपके सामने लाया हूं एक मोनिटर लिजर्ड। तो आपको दिखाऊंगा कि मोनिटर लिजर्ड अगर आए लल्ला हो गई यार, पूरी लगा ना भाई, काट दी थी नहीं बोल रही है। चलिए तो थोड़ा ग्लव्स का इस्तेमाल करूंगा मैं। ले पर ले जा। जिंदा है यार, मार देती है आदमी से चीजें, हमारे यहाँ तो मार देती है अपनी। तो दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि इसको मोनिटर लिजर्ड बोलते हैं, इंग्लिश में इसका नाम मोनिटर लिजर्ड, और देसी भाषा में इसको कई लोग गोभी बोल देते हैं, और कई लोग इसको विष खोपड़ा भी बोलते हैं, और कई लोग इसको चिपटन गो, लिपटन गो कुछ भी बोलते थे, घोरा घरा सब कुछ बोलते हैं अपनी अपनी भाषा में। तो बताना चाहूँगा कि ये बिल्कुल नॉन विनेमस होता है, और इसको कोई जहर नहीं होता इसके अंदर। तो इसके वीडियो मैं पहली बार अपलोड करूँगा यूट्यूब पर, और कई लोग बोलेंगे कि इसको अपनी उंगली कटवा के दिखा, तो मैं ये ऐसा नहीं करने वाला। और दोस्तों ये बिल्कुल नॉन विनेमस होता है, और इसके बारे में एक बात और बताना चाहूँगा आपको कि जब ये छोटा होता है तो इसके ऊपर ये जो लाइन होती है, मार देती है। जब ये छोटा होता है तो इसके ऊपर लाइन होती है, और जब ये बड़ा हो जाता है तो इसकी लाइन ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों सब कुछ सजा के अंदर, ये मोनिटर लिजर्ड है और बिल्कुल नॉन विनेमस है, इसमें कोई जहर नहीं होता है, और ये अपनी लीली जीभ होती है इसकी, जो दो प्रकार से आगे से दो प्रकार की होती है, और सांप के जैसे ये भी अपनी स्किन को छोड़ता है, जैसे ये स्किन को छोड़ दिया। तो इसका एक सिस्टम और है कि जैसे कि अपनी स्किन को जब छोड़ता है, तो जैसे मादा लिजर्ड होती है वो अपनी स्किन को छोड़ती है, तो उसी में अपना घोंसला बनाकर अंडे देती है। तो ये अप्रैल और मई में ये अंडे रखती है, और अंडे कम से कम भी 13-14 अंडे रखती है ये। तो 13-14 अंडे रखती है, तो उसमें छोटे छोटे बच्चे होते हैं, तो उनको लोग विष खोपड़ा, गोरा का पता नहीं क्या क्या नाम से पुकारते हैं। तो ये नॉन विनेमस होता है, इसमें कोई जहर नहीं होता। अगर इसमें जहर होता तो ये मेरी उंगली को काट सकती थी, मगर ये मेरी उंगली को नहीं काट रही। तो इसको मैं आज यहाँ पर्यावरण में रिलीज करने आया हूँ, और मैं इसको अब रिलीज करता हूँ। ओ भाई एक मिनट, कैमरा मैन से बोलूँगा कि तनिक नज़दीक आएंगे। तो अभी ये जाने के लिए तैयार है बिल्कुल, ये पहले सुस्त थी, तो अभी ये छोड़ दिया मैंने इसको।